हाँ जी, की नाम है? कविता आर्य है मेरा नाम। मैं हरियाणा से आई हूँ, भिवानी जिला के पातवान गांव से। और की समझते हो जो भारतीय सरकार लोकतंत्र है? लोकतंत्र संविधान च हक है भी कोई भी बंदा सोहने तरीके शांतमय तरीके प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकता, पर शांतमय तरीके प्रोटेस्ट करने वाले किसानों दी उंगलां तोड़ियां गई, लत्तां तोड़ियां गई, अखां तोड़ दित्तियां गई, पग्गां उतार दित्तियां गई, तुसीं की कहना चाहोगे? देखिए, इस तानाशाही सरकार ने हमारे साथ ये बहुत ही गलत किया और ये भुगतना पड़ेगा इनको। ये हम सहन नहीं करेंगे। जब तक ये हमारे सामने घुटने नहीं टिका देगी तानाशाही सरकार, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये कोई जाट आरक्षण नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये कोई और जातिवाद की किसी बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये किसान की लड़ाई है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, लेकिन PhD स्कॉलर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बाद में हूँ, पहले किसान की बेटी हूँ, इस अन्नदाता की बेटी हूँ। चाहे आज प्रधानमंत्री रोटी खा रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रोटी खा रहा हो, वो एक किसान की दी हुई रोटी खा रहे हैं और वो इस किसान के साथ ही अजादती कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या किसान तो एक भैंस से दूसरी भैंस भी पाल लिया तो दूसरा मीटर लगवाना पड़ेगा उसको, और किसान अगर दूध बेचेगा तो उसके ऊपर भी GST लगेगा? क्यों हो रहा है ये हमारे साथ दिन रात? क्योंकि चलो ठीक है, हम सहन करते आ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर बिल्कुल ही इस तरह से हावी हो जाए कि हम कोई कदम उठा ही ना सके। लेकिन अब हम समझ चुके हैं, वो गंवार और अनपढ़ लोग नहीं रहे हैं। हम चाहे अपने स्तर पर करो, क्योंकि ये तो मोदी नहीं, ये तो इसको देश बेचने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि चाहे हमारा तेल हो, चाहे कुछ भी हो, इसको तो बेचना है। चाहे शिक्षा हो, हमारी खेल हो, जो हमारे IPL खेल हैं आप सबको पता है, वो भी अमित शाह के बेटे के अकॉर्डिंग चलते हैं, कब छक्का लगना है, कब चौका लगना है। तो ये हमारे साथ दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं होने देंगे और इस तरह की इजाज़ती हमारे साथ सहन नहीं करेंगे। और मैं परसों आई थी यहाँ पे दिल्ली और हम जंतर मंतर पर पहुँचे, जैसे तैसे हम नाके वगैरह तोड़ करके, और फिर वहाँ से हमें वापस आने लगे क्योंकि वहाँ पूरा घेराबंदी कर रखी थी। और तब हमें PCR आई और उन्होंने हमें रोक करके और एक थाने में बैठा लिया और कल रात को 9 बजे हमें छोड़ा। फिर हम जैसे तैसे करके यहाँ पहुँचे, मेरे साथ और भी कुछ साथी थे, हम सबको इस तरह से उन्होंने तानाशाही करी हमारे साथ। लेकिन हम इन सब तानाशाहियों को, ये सरकार को पता चल गया है कि ये अब पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे जड़े जड़े लोग हैं, चाहे वो धीं ने इस देश दी हुई तो इन्होंने भी धक्का किया जा रहा। तो पंजाबी समझते हैं ना, जो मोदी है वह कहता भी रामराज आ गया, भाई जी साइड से गल करो, वो कहते भी रामराज आ गया। तुम्हें लगता भी रामराज है? इतने बलात्कार हो रहे हैं, 7-7 साल दिया बच्चियां के बलात्कार हो रहे हैं। जेडे UP कहते रामराज आ गया, जो योगीनाथ है कहते तो राम का अवतार है, किसी को कहते हनुमान जी का अवतार है, कोई कहता जी लक्ष्मण जी का अवतार है, तुम्हें लगता भी रामराज है? ये तो आप सबको भी दिखाई दे रहा है, मुझे ही नहीं, कि किस तरह का रामराज है। ये तो रावण राज से भी शायद मुझे लग रहा है कि वो तो सीता को उठाकर ले गया था, वो तो अच्छा निकला, वो तो बाद में ये तो रावण से भी क्या गुजरा, कई गुना क्या गुजरा है, वो तो ज्ञानी था, ये तो महाज्ञानी है। क्योंकि ये तो गुंडागर्दी का राज है, क्यों हर दिन प्रतिदिन लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये इनकी वजह से हो रहे हैं और इनको सरकार नहीं खत्म कर सकती। लेकिन हमारे पास है वो तरीका, हम संस्कारों से खत्म करेंगे उन चीजों को, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसानों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, और ये हम लेकर के रहेंगे।